दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जाने वाले हैं शाजापुर और बनाने वाले हैं शाजापुर के ऊपर एक ब्लॉग, तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, चल रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारे शाजापुर जिले का धोबी चौराहा नाम से जगह है और यहाँ पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित है और बस स्टैंड से करीब 2 से 3 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा आप देखिए प्रतिमा। अगर आप शाजापुर आए तो एक बार धोबी चौराहा आके यहाँ पे जरूर दर्शन करें इनके। दोस्तों, ये है शाजापुर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भैरू डूंगरी, भैरू महाराज का मंदिर है और ये मैं अभी लगभग 250 पेड़ियाँ चढ़ के आ गया हूँ और ऊपर अभी करीब 261 पेड़ियाँ और हैं। तो अभी समय भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं अब ऊपर तो नहीं जा पाऊँगा। नेक्स्ट जब भी मैं आऊँगा तो ऊपर तक जाऊँगा। ऐसा समय भी ज़्यादा हो गया है और इतनी पेड़ियाँ चढ़ने में मेरी हालत भी ख़राब हो गई है, थक गया हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ से जो ऊपर पहाड़ी से जो व्यू, ये सबसे ऊँची हाइएस्ट अगर शाजापुर में अगर कोई सा पॉइंट है तो वो यही है भैरू डूंगरी। और यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ और ये उधर से आपको दिख रहा होगा हाईवे बाईपास आ रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये हाईवे से ये दिख रहा होगा आपको हाईवे से और ये गाड़ियाँ जा रही है, ये दिख रहा होगा आपको। ये बिल्कुल पहाड़ को काट के रोड बनाया है, पूरे पहाड़ को काट के हाईवे निकाला है यहाँ से। ये देखिए आप, ये बाईपास है शाजापुर का, रोड तो उधर से जाता है और ये यहाँ का जो चिल्लर डैम है, शाजापुर चिल्लर डैम, यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर है ये डैम, 10 किलोमीटर तो होगा लगभग। फिर भी मैं इसको बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये जूमिंग से मैं पास में लेके आ गया हूँ। आपको वास्तविकता दिखाता हूँ कितनी दूर है वास्तविकता में। ये देखिए आप, बहुत दूर है और ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये केंद्रीय विद्यालय CBSE और ये कुछ शाजापुर का नज़ारा देखिए आप। जेल बिल्डिंग है, हाँ ये जेल बिल्डिंग है, यहाँ की जेल बिल्डिंग है। ये देखिए आप, ये शाजापुर जेल है और ये यहाँ का छोटा सा तालाब है मंदिर का और मंदिर की ही दोनों प्रतीक्षालय हैं। और ये जो भैरू महाराज का जो ये जो स्थान है, इस स्थान की जो अगर यहाँ से अपन सीध लेंगे, ये जो सीढ़ियाँ जा रही है, ये जा रही है सीधी राजराजेश्वरी का, राजराजेश्वरी जो शाजापुर में जो मंदिर है मैंने आपको दिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, उसी मंदिर की जो माँ की मूर्ति है, माँ राजराजेश्वरी की माँ की मूर्ति और भैरू महाराज की जो प्रतिमा है, दोनों का आमना सामना बिल्कुल एक सीध में दोनों एक तरफ देख रहे हैं। इधर से मुंह भैरू महाराज का माँ की तरफ है और माँ का मुंह भैरू महाराज के मंदिर तरफ है। अब मैं इसको कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा, मैंने जो मुझे आता है जिस टाइप से मैंने बता दिया आपको। ये व्यू देखिए आप, व्यू बहुत ही शांत और ये मैं ऊपर दिखाता हूँ, अभी बहुत ऊपर है और इतना ऊपर मैं जा नहीं पाऊँगा, अभी जूमिंग चल रहा है तो थोड़ा आपको सही लगेगा। ये देखिए आप, ये हमारे यहाँ के पंडित जी हैं और इनको पूरा यहाँ का इतिहास मालूम है और इन्होंने बताया मुझे अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए यहाँ का ये कॉलेज है, आप गुरु जी ये कौन सा कॉलेज है? लॉ कॉलेज खुला भी नया यहाँ पे शाजापुर में और ये केंद्रीय विद्यालय भी अभी नया। दोस्तों, माँ राजराजेश्वरी का है और ये शाजापुर में ही स्थित है, बस स्टैंड से बिल्कुल लगमा मंदिर है और इस मंदिर में आप जब भी आपका शाजापुर आना हो तो माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में आप जरूर आएँ, देखें मंदिर। मैं आपको सिर्फ पहाड़ से दिखाऊंगा शिखर दर्शन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ का व्यू देखिए आप, ये व्यू है यहाँ का। मंदिर के जस्ट पास से हाईवे निकला हुआ है, नवरात्रि में यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है